नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज दिनभर की फटाफट खबरों में। आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 40,000 के पार निकल गई। उधर लॉकडाउन में ट्रेन और बस से यात्रा करने की किसे मिलेगी छूट, गृह मंत्रालय ने जारी कर दी गाइडलाइन। वहीं स्पेशल ट्रेनों में घर जाने के लिए मजदूरों और छात्रों को अब चुकाने होंगे 50 रुपए। वहीं लॉकडाउन में यूपी बिहार से लेकर मध्य प्रदेश राजस्थान तक जाने किन किन राज्यों में मिली है क्या क्या छूट। वहीं अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर आज से शुरू होगी स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान की सेल। वहीं छात्रों और मजदूरों को रेलवे स्टेशन से उनके गृह जिले पहुंचाने के लिए 220 बसों का किया गया इंतजाम। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आज से बिकेगी शराब, लॉकडाउन 3 को लेकर नई गाइडलाइन जारी। वहीं 10 विशेष ट्रेनों से 11,000 श्रमिकों की घर वापसी, 20 नई ट्रेन चलने को तैयार। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आज देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 40,000 के पार निकल गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक कुल 40,263 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसमें से 28,070 एक्टिव केस हैं। आपको बता दें कि वहीं 10,886 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। इस वायरस की वजह से अब तक 1,306 लोगों की मौत हो गई है। वह अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में ट्रेन और बस से यात्रा करने की किसे मिलेगी छूट, गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को यह स्पष्ट कर दिया है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को आने जाने में जो ढील दी गई है वह केवल दूसरे राज्य में फंसे सिर्फ प्रवासी मजदूरों के लिए है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को पत्र लिखकर इसका स्पष्टीकरण भी जारी कर दिया। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने ऐसे फंसे हुए लोगों को आने जाने को मंजूरी दी है जो लॉकडाउन की अवधि से ठीक पहले अपने मूल निवास अथवा कार्यस्थलों से चले गए थे और लॉकडाउन के नियमों के चलते तथा लोगों तथा वाहनों की आवाजाही पर रोक के चलते वह अपने मूल निवास यानी अपने घर वापस नहीं आ पाए। आपको बता दें कि पत्र में कहा गया है कि आदेश में जो सुविधा दी गई है वह सिर्फ परेशान लोगों के लिए है, लेकिन ऐसी श्रेणी के लोग इसके दायरे में नहीं आते जो कामकाज के लिए अपने मूल स्थान से दूर हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में लाखों प्रवासी कामगार फंसे हुए हैं। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को ट्रेनों और बसों के जरिए उनके आने जाने की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि ये मंजूरी कुछ खास शर्तों पर दी गई है, जिसमें भेजने और गंतव्य वाले राज्यों की सहमति, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन आदि शामिल है। वह अगली बड़ी खबर, स्पेशल ट्रेन से घर जाने के लिए मजदूरों और छात्रों को अब चुकाने होंगे 50 रुपए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच गृह मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को निर्देश दिए हैं कि वे प्रवासी मजदूरों, श्रद्धालुओं, छात्रों और विभिन्न राज्यों में फंसे हुए लोगों को उनके घर पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन करें। रेलवे बोर्ड ने यात्रियों से वसूले जाने वाले सामान्य स्लीपर श्रेणी के अलावा अतिरिक्त शुल्क की भी घोषणा की है। आपको बता दें कि यह अतिरिक्त शुल्क 1 मई से प्रभावी हो गया है। आपको बता दें कि रेलवे ने कहा है कि विशेष ट्रेनों का संचालन केवल राज्यों के अनुरोध पर होगा, मगर उसने घोषणा की है कि विभिन्न राज्यों के बीच संचालित होने वाली विशेष ट्रेनों में स्लीपर श्रेणी के किराए के साथ साथ प्रति यात्री 50 रुपए का अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा। आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने प्रवासी मजदूरों और छात्रों को लाने के लिए अभी तक अनुरोध नहीं किया, लेकिन रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अतिरिक्त शुल्क देश में संचालित होने वाली सभी विशेष ट्रेनों पर लागू होंगे। रेलवे बोर्ड ने स्लीपर क्लास के किराए के अलावा सभी क्षेत्रों से 50 रुपए प्रति यात्री किराया लेने के लिए दक्षिण रेलवे सहित विभिन्न रेलवे क्षेत्रों को सर्कुलर जारी कर दिया है। सर्कुलर में कहा गया है कि अतिरिक्त शुल्क में से 30 रुपए सुपरफास्ट चार्ज और 20 रुपए अतिरिक्त चार्ज है। दो राज्यों के बीच छोटी यात्रा के लिए जैसे चेन्नई से बेंगलुरु तक स्लीपर क्लास का किराया 260 रुपए के आसपास है। आपको बता दें कि एक रेलवे अधिकारी ने बताया कि दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा संचालित विशेष ट्रेन की तरह ही दक्षिण रेलवे कोची से भुवनेश्वर के बीच एक विशेष ट्रेन संचालित कर रहा है। आपको बता दें कि रेल मंत्रालय ने शनिवार को साफ किया है कि कुछ विशेष ट्रेन है जो विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों के लिए चलाई जा रही है। उन्हें केवल राज्य सरकारों के अनुरोध पर संचालित किया जा रहा है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अन्य सभी यात्री ट्रेनें निलंबित रहेंगी। मंत्रालय ने आगे कहा कि रेलवे केवल राज्य सरकारों के अनुरोध पर यात्रियों को ला रही है। आपको बता दें कि अब रेलवे यात्रियों, मजदूरों से 50 रुपए का अतिरिक्त शुल्क लेगा। वह अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन 3 में यूपी बिहार से लेकर मध्य प्रदेश राजस्थान तक जाने किन किन राज्यों में मिली है क्या क्या छूट।
दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से आज से 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया। हालांकि इसमें लॉकडाउन 2 के मुकाबले कई रियायतें दी गई हैं। गृह मंत्रालय ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बटे जिलों के हिसाब से दिशा निर्देश जारी कर दिए, जबकि कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो हर जोन में बंद रहेंगी। मगर क्या राज्य सरकारें इतनी छूट देने को तैयार हैं? आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश का हाल। यूपी में रेड जोन में किसी भी तरह की छूट नहीं होगी, जबकि ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में कुछ छूट मिलेगी। ग्रामीण इलाकों में सब्जी और किराने की दुकानों को पहले से ज्यादा छूट मिलेगी। हॉटस्पॉट के बाहर वाले क्षेत्रों में जरूरी वस्तुओं की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि दुकानें छोटे कस्बों व गांव में खोली जाएंगी। खासकर निर्माण सामग्री, ईंट, सीमेंट, मोरंग, बालू वाली सभी दुकानें खोली जाएंगी। बिहार की बात की जाए तो बिहार के ग्रीन और ऑरेंज जोन के जिलों में सैलून आज से खुल जाएंगे, जबकि रेड जोन में सख्ती जारी रहेगी। बिहार में 5 जिले रेड जोन, 20 जिले ऑरेंज जोन और 13 जिले ग्रीन जोन में शामिल है। सरकार ग्रीन जोन के 13 जिलों की अन्य जिलों से लगने वाली सभी सीमाओं को भी सील कर सकती है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के 8 जिले रेड जोन में मोबाइल, लैपटॉप, स्टेशनरी और कपड़ों की दुकानें भी खोली जा सकती हैं। आपको बता दें कि इन्हें खोलने की अनुमति दे दी गई है। ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक खोलने की भी सुविधा रेड जोन में दी गई है। निर्माण कार्य वाले श्रमिक जो साइट पर हैं काम कर सकते हैं। निजी दफ्तरों में भी 33% कर्मचारी काम कर सकते हैं। ई कॉमर्स को भी रियायत दी गई है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ऑरेंज जोन के भी इन्हीं इलाकों में रियायतें मिलेंगी, जहां पर संक्रमण कम है। गली मोहल्लों की दुकानें कुछ घंटों के लिए खुलेंगी। ट्रांसपोर्ट सेवाओं के लिए भी सीमित अनुमति होगी। ग्रीन जोन वाले क्षेत्रों में छोटे उद्योग शुरू होंगे। मध्य प्रदेश के 9 जिलों को रेड जोन और 19 जिलों को ऑरेंज जोन में रखा गया है। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में सोमवार से सभी सरकारी व अर्ध सरकारी दफ्तर खुलेंगे। वहीं दुकानें भी 1 बजे के बजाय अब 4 बजे तक खुल सकेंगी। रेड जोन के जिले में 1 बजे तक ही जरूरी चीजों की दुकानें खुल सकेंगी। दफ्तर सुबह 10 बजे से 4 बजे तक खुलेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की बात की जाए तो पुलिस कमिश्नरी वाले शहरों में संबंधित डीसीपी अंतर राज्य या फिर अंतर जिला यात्रा की अनुमति दे सकते हैं। सरकार को का कहना है कि अन्य हिस्सों के लोगों को मुंबई महानगर क्षेत्र प्राधिकरण और पुणे महानगर विकास प्राधिकरण के तहत आने वाले क्षेत्रों में आने जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कश्मीर डिवीजन में केवल 4 जिलों को रेड जोन घोषित किया है, लेकिन अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि पूरी घाटी को रेड जोन के तौर पर देखा जाएगा और जरूरी मामलों में अनुमति के अलावा किसी भी प्रकार की कोई भी छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी। वह अगली बड़ी खबर, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर आज से शुरू होगी स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान की सेल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर आज से गैर जरूरी सामान की होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी। ग्रीन और ऑरेंज जोन में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ही बिक्री होगी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन को अब 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ग्रीन और ऑरेंज जोन में आज से गैर जरूरी सामान की बिक्री ई कॉमर्स साइट पर शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि 4 मई से लॉकडाउन 3 शुरू हो गया है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में स्मार्टफोन, फ्रिज और स्मार्ट टीवी की बिक्री शुरू होगी। इसके अलावा इन दोनों जोन में रिटेल स्टोर्स भी खोल दिए जाएंगे। सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक ई कॉमर्स वेबसाइट पर 4 मई से गैर जरूरी सामान की डिलीवरी शुरू होगी। ग्रीन और ऑरेंज जोन में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ही बिक्री होगी। वह अगली बड़ी खबर, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आज से बिकेगी शराब, लॉकडाउन 3 को लेकर नई गाइडलाइन जारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि यह व्यवस्था आज से 2 सप्ताह के लिए लागू रहेगी। इसमें रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन की परिभाषा के हिसाब से सभी क्षेत्रों को बांट दिया गया है। प्रत्येक हॉटस्पॉट में आने वाले घरों में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाया जाएगा। आपको बता दें कि आज से शुरू हो रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में कुछ शर्तों के साथ राहत का ऐलान सरकार ने किया है। सबसे ज्यादा सख्ती रेड जोन में की गई है, जहां पर कोरोना संक्रमित केस सामने आए हैं। अगर किसी जगह 1 केस से ज्यादा है तो 1 किलोमीटर का दायरा हॉटस्पॉट होगा। अगर सिर्फ 1 केस होगा तो कम से कम 400 मीटर का हॉटस्पॉट बनाया जाएगा। आपको बता दें कि भारत सरकार की नई गाइडलाइन के आधार पर ही उत्तर प्रदेश में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वह अगली बड़ी खबर, आज अलग अलग 4 राज्यों से बिहार आ रही 4 ट्रेनें, सभी मजदूरों और छात्रों को 220 बसों का किया गया इंतजाम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बिहार आने वाली ट्रेनों में जो वापस आ रहे हैं उन लोगों को बसों से उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था कर ली गई है। बिहार राज्य परिवहन की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 220 बसों से आने वाले स्टूडेंट्स और श्रमिकों को रेलवे स्टेशन से उनके गृह जिले भेजने की तैयारी है। आपको बता दें कि गौरतलब है कि सोमवार यानी कि 4 मई को अलग अलग राज्यों से 4 ट्रेनें बिहार
बिहार आएंगी। आपको बता दें कि एक राजस्थान के कोटा से आ रही है, दूसरी ट्रेन गया स्टेशन पर दोपहर करीब 12:30 बजे पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि वहीं दूसरी ट्रेन एर्नाकुलम यानी केरल से आने वाली ट्रेन पटना के दानापुर दोपहर करीब 3 बजे पहुंचेगी। उधर केरल से पटना के ही दानापुर जंक्शन आने वाली ट्रेन दोपहर करीब 3:30 बजे पहुंचेगी। उधर राजस्थान के कोटा से आ रही स्पेशल ट्रेन बिहार के बरौनी जंक्शन पर शाम करीब 5:30 बजे पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि पटना के दानापुर स्टेशन पर उतरने पर सभी लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग करने के बाद विशेष बस में विभिन्न जिलों में भेजा जाएगा। हर जिले के लिए अलग अलग बस की व्यवस्था की गई है। वह अगली बड़ी खबर, महिला जनधन खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, महिला जनधन खातों में आज डल रही दूसरी किस्त। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महिला जनधन खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, आज सरकार दूसरी किस्त डाल रही है। आपको बता दें कि जिनके खाते का अंतिम अक्षर 0 या 1 है, आज उनके खातों में पैसे आ जाएंगे। आपको बता दें कि आज 500 रुपए की दूसरी किस्त उनके खाते में आ जाएगी। आप चाहें तो आज जाकर निकाल सकते हैं। आपसे निवेदन है, कृपया आप बैंक में भीड़ न लगाएं, अपने पास ही के एटीएम से जाकर निकाल सकते हैं। आपको जानकारी दे दें कि फिलहाल दूसरे एटीएम से भी पैसे निकालने पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। वह अगली बड़ी खबर, बड़ी चेतावनी, कोरोना वायरस की प्रजनन दर दूसरे फ्लू से भी सबसे तेज, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट से पूरी दुनिया को चौंका दिया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस आने वाले 18 से 24 महीने तक दुनिया भर में तबाही मचाएगा। ऐसा इसलिए संभव हो सकता है कि कोरोना वायरस का प्रजनन दर दूसरे मौसमी फ्लू की तुलना में सबसे अधिक है। अमेरिकी संक्रामक रोग वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि दुनिया भर के देशों की सरकारों को अभी से भविष्य की रणनीति बनानी होगी, क्योंकि वायरस झोंके की तरह कई बार दस्तक देगा। ऐसे में होशियारी और समझदारी से ही इससे बचा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि वायरस की दूसरी लहर पतझड़ या फिर सर्दियों के मौसम में भी आ सकती है। ये वायरस तब तक तबाही मचाता रहेगा जब तक पूरी दुनिया की 60-70% लोगों को संक्रमित नहीं कर देता। आपको बता दें कि रिपोर्ट में लिखा है कि वायरस गर्मी में भी नहीं मरेगा, जैसा दूसरा सीजनल फ्लू में होगा। कोरोना लंबे समय तक जीवित रहने वाला वायरस है, बिना लक्षणों के भी मिलता है और इसकी प्रजनन दर यानी कि रिप्रोडक्शन रेट सबसे अधिक है। इस कारण ये वायरस दूसरे फ्लू की तुलना में तेजी से फैलेगा और देर तक रहेगा। तेज प्रजनन दर के कारण वायरस अधिक से अधिक लोगों में फैलेगा। नतीजा ये होगा कि महामारी के खत्म होने से पहले हर किसी के भीतर इसकी इम्यूनिटी पावर बन जाएगी। वह अगली बड़ी खबर, स्पेशल ट्रेनों में सफर करने के लिए रेलवे ने जारी कर दिए नए नियम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने रविवार को सभी जोन्स के लिए नए नियम जारी कर दिए। आपको बता दें कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें अब तभी चलेंगी जब कम से कम 90% सीटों के लिए बुकिंग की जाएगी। रेलवे ने किराया, खाना, पानी, सुरक्षा को लेकर हर बात स्पष्ट कर दी है। रेलवे की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें नॉनस्टॉप होंगी, एकमात्र गंतव्य के लिए होंगी। सामान्यतः ये 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के लिए होंगी। ट्रेनों को बीच के किसी भी स्टेशन पर नहीं रोका जाएगा। एक ट्रेन में यानी कि मिडिल बर्थ को छोड़कर करीब 1200 लोग सफर कर सकते हैं। गाइडलाइन में कहा गया है कि जिस राज्य से यात्रा प्रारंभ होगी वहां की सरकार को यात्रियों को समूह तैयार करना होगा। ट्रेन में यात्रियों की संख्या क्षमता से 90% से कम नहीं हो सकती है। आपको बता दें कि रेलवे ने कहा है कि स्थानीय राज्य सरकार यात्रियों को टिकट सौंपेंगी और उनसे टिकट का पैसा वसूल करके एकत्रित राशि रेलवे को सौंपेंगी। यह भी कहा गया है कि जिस राज्य से ट्रेन खुलेगी वहां की सरकार को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी ताकि केवल वे ही लोग स्टेशन परिसर में आ पाएं जिन्हें मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि और जिनके पास टिकट भी मौजूद है। वही मौसम अपडेट, स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं और बादलों की गर्जना के साथ बारिश संभव है। एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि होने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज प्री मानसून वर्षा जारी रहेगी। केरल, आंतरिक तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश और तटीय आंध्र प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होगी। आपको बता दें कि मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि कोरोना वायरस भारत से जल्द गायब हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।